कहते हैं ना, दिल तो एक बार टूटता है, फिर वो तोड़ता बहुत सारे लोगों का दिल है। जिंदगी में अगर एक चीज छूट जाए तो लगता है अधूरापन है, लेकिन अगर आपका अपना वजूद ही पीछे छूट जाए तो क्या साथ लेकर चलोगे? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शंदा राव। आज हम बात करेंगे वजूद पर। आप कहेंगे, यार मैम ये क्या बात हुई, वजूद मतलब? हम सब जानते हैं, बचपन से जब हम बड़े होते 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 हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर लोग हमें इस नज़र से देखने लगते हैं कि हम अलग से एक पहचान बना लें, हम कामयाब हो जाएं, हम अच्छी अर्निंग करने लगें, हम कमाने लगें। उस स्टेज पर आकर एक शब्द जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है अपनी नज़रों में भी और सामने वाले की नज़रों में भी, वो है आपका वजूद। आप कहाँ से खड़े होकर आए हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन आज जहाँ आप खड़े हैं उस चीज़ के बदले दूसरे लोगों को क्या मिल रहा है, दूसरे लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, दूसरे लोग आपकी हर एक एक्टिविटी से क्या चीज़ें सीखते हैं, क्या वो ऑब्जर्व करते हैं। आज की घटना है जो आपको बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देगी। घटना एक ऐसी जो हर एक बार टारगेट करता है एक सिंगल मदर को, एक ऐसी लेडी को जो अभी अकेली है या डिवोर्स ले चुकी है या फिर अपने रिश्ते से वो अलग हो चुकी है। आज उसे एक ऐसे सेपरेट पार्टनर की ज़रूरत है जब उसे अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियां बांटने के लिए किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई भी लेडी जो मेरा ये वीडियो देख रही है और वो इस स्टेज पर है या इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो उनको आज जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो सीखने और समझने की बहुत हद तक ज़रूरत है। उससे पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? एंड में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करना, ठीक? आजकल ये घटना बहुत हो रही है और हर इंसान जानता है कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का अभाव पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक पार्टनर की ज़रूरत हर एक उम्र में होती है। सेम उसी तरीके से आजकल जिस तरीके से रिश्ते टूट रहे हैं, वैसे ही कई बार ऐसा होता है कि एक लड़का है, चलो ठीक है रिश्ता टूट गया, वो अपनी बाहर गर्लफ्रेंड बना रहा है जिस जैसे भी जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, लेकिन एक लेडी जो अपने बच्चों के साथ या एक एज के बाद वो ऐसी जगह पर होती है कि वो चाहकर भी वो नहीं कर पाती। लेकिन हर एक इंसान, ये ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सेपरेट पार्टनर हर कोई चाहता है जिससे अपने दिल की हर एक बात वो शेयर कर सके। आजकल जो लोग हैं, जो बहुत ही चालाक लोग हैं, जो लुटेरे टाइप के लोग हैं ना, जो क्राइम करते हैं, वो टारगेट करते हैं एक ऐसी लेडी को जिसके आगे पीछे इमोशनली कोई और ज़्यादा लोग अटैच ना। एक न्यूज़ बहुत चर्चा में है कि एक बंदा जो कि इंस्टा के थ्रू किसी लेडी से जुड़ता है और बताता है कि मैं तो अंतरिक्ष में किसी सैटेलाइट सेंटर में मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ इंटरनेशनल ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, और मुझे अभी वापस धरती पर आना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और उसके बदले मुझे धरती पर लैंडिंग लेने के लिए, यहाँ पर आने के लिए मुझे 15 लाख की ज़रूरत पड़ेगी और बिकॉज इसका हमें चार्ज पे करना पड़ेगा, तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपसे शादी करने आ रहा हूँ और आप मुझे ना प्लीज़ से ये पैसे आप भेज दो ताकि मैं आपको बाद में आके और मैं आपको वापस कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो जब मैं वापस आऊँगा तभी मुझे सारा पेमेंट मिलेगा। इस तरह की एक न्यूज बहुत चर्चा में है जिसमें एक फ्रॉड इंसान ने 4-5 किस्तों में एक लेडी जो 60 साल की थी, उसको काफ़ी टाइम से बात कर रहा था, फिर उन्होंने नंबर वगैरह शेयर किए, उनकी चैटिंग हुई और दोनों का रिश्ता, आई डोंट नो वो मेल उस चीज़ के बारे में सोचता था यार नहीं, लेकिन वो लेडी उसको बहुत ही इज्जत देती थी और शायद से उसे लाइफ पार्टनर बनाना चाह रही थी। तो शादी तक की बातें हुई और उन्होंने उनसे पैसे की डिमांड की और उस लेडी ने अपनी लाइफ टाइम की जवाब उसको दे भी दिए। बाद में जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये तो कुछ और ही ड्रामा निकला। सेम ऐसे ही एक, ये तो अदर कंट्री की है, ऐसी ही घटनाएं हमारे देश में भी हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले भी नोएडा की घटना है जिसमें नाइजीरियन कपल था एक, और जो वो लड़का था वो क्या करता था, जो भी विडो होती थी या सिंगल मदर थी या डिवोर्सी अगर कोई लेडी थी, वो उन्हें टारगेट करता था और उनसे पैसे वगैरह ऐंठ लेता था, जैसे फ्रेंडशिप की शादी वगैरह। उसने तो काफ़ी सारी लड़कियों से शादी भी कर रखी थी, ये तक न्यूज आई थी। फिर जब कुछ ने शिकायत की और जो लेडी होती थी वो भी अच्छी इनकम जनरेट कर रही होती थी, वो वर्किंग होती थी, ऐसा नहीं है कि कोई हाउसवाइफ थी उनसे उन्होंने, क्योंकि उनका मोटिव होता है कि वर्किंग है तो उसके पास पैसा है, बस उनका पैसा ऐंठना। और अभी कुछ दिन पहले एक और घटना ही जिसमें एक लड़का कहता है कि मैं जज हूँ, सिविल जज हूँ, और मैं मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है और शादी का झांसा देना या जो भी, और उसके बाद उन्होंने उनसे पैसे ऐंठे थे। बाद में पता चला कि वो सिविल जज वगैरह नहीं था, वो सब फ्रॉड था, वो बल्कि ड्यूटी भी जा रहा था, सारे ड्रामे दिखावे भी कर रहा था, उन्हीं के पैसों से सब कुछ कर रहा था। तो इन सब चीज़ों के बीच में मैं वजूद को क्यों लेकर आई हूँ? अब जो बात मैं करने वाली हूँ बहुत सीरियस है, शांति से इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आप मोबाइल पर स्पीकर पर सुन रहे हैं तो ब्लूटूथ लगा लीजिए, ध्यान दीजिए। अगर आपको पार्टनर चाहिए तो पार्टनर ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान होगा जो आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। अगर आप डिवोर्सी हैं, अगर आप सिंगल मदर हैं, आप अगर
आपका तलाक हो चुका है या फिर आप अपने हस्बैंड को खो चुके हैं, विधवा हैं या जो भी हैं, तो एक बात याद रखना, जितनी भी लेडी हैं उनको बोलना चाहूँगी कि अगर एक बार आपने खो दिया ना, तो फिर आप उस चीज़ की लालच मत कीजिए जैसे आप टीवी सीरियल में देखती हैं कि हाय मुझे भी एक ऐसा लड़का मिले और उसके बाद मेरे सारे सपने पूरे हों, वो मुझसे इतना प्यार करेगा, क्योंकि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के सिर्फ माँ बाप प्यार करते हैं। जब आपकी शादी हुई ना, उस वक्त आपकी पहली शादी थी, आपका पति अपनी मर्जी से आपको शादी करके लेके आया था, जब वो इंसान आपको धोखा दे सकता है ना, तो मेरा यकीन मानो उसके अलावा कोई और इंसान तो धरती पे हो ही नहीं सकता जो बिना स्वार्थ के आपके साथ में जुड़ जाएगा। क्योंकि दुनिया में आप अपने आप को खूबसूरत मानती है, ये अच्छी बात है और आप हैं खूबसूरत, लेकिन आप जरा सोचिए ना कि एक लड़का आपके साथ ही क्यों जुड़ेगा। आपकी एज से कम भी हो सकता है, चलो आपका सिमिलर भी हो सकता है, लेकिन वो आपसे ही क्यों जुड़ रहा है, और आपसे जुड़ भी रहा है तो फिर पैसों की बातें क्यों कर रहा है। अगर कोई जुड़ भी रहा है, आप दोस्त बनाइए, लेकिन हमेशा दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। अब जिस स्टेज पर आप आ गए ना, वहाँ दिल बहुत पीछे रह गया है, आप दिमाग से सोचना शुरू कीजिए। आप जब आप किसी रिश्ते में जाते हैं, चाहे ये सभी के लिए है, जितने भी मेल फीमेल जिस भी एज कैटेगरी के सभी के लिए, वहाँ आप ये देखिए सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा आपके पैसे को तो वैल्यू नहीं दे रहा ना। अगर बातों में करके अगर कोई इंसान आपसे पैसे निकलवाना चाह रहा है या आपसे किसी भी बहाने से पैसे निकाल रहा है, तो एक बात याद रखना, जो पार्टनर ठीक से पार्टनर बने पहले ही, बनने से पहले ही अगर आपसे पैसे मांग रहा है, तो आपको क्या लगता है वो आपके पैसे के बिना अपनी ज़िंदगी गुजार लेगा क्या? नहीं यार, वो आपको कोई खुशियाँ देने नहीं आया है। इस गलतफहमी में जीना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि आप जो खुशियाँ ढूंढ रही है ना, वो खुशियाँ अभी जहाँ में आपके अंदर के सिवाय आपको कहीं नहीं मिलने वाली। आप अपना पैसा भी गंवाएंगे, इज्जत भी, बदनामी भी होगी, हर्ट भी होंगी, आपको तकलीफ भी होगी, पेन भी होगा। उससे अच्छा है कि जो रास्ता आपने अकेले चुनने का तय किया है, उसे अकेले ही तय करना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं हर बार पार्टनर ही चाहिए, अगर बनाना है तो अच्छे दोस्त बना लीजिए, क्योंकि दोस्त मुझे लगता है पार्टनर से भी ज़्यादा साथ देते हैं। और इसके अलावा अगर लगता है कि कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बन रहा है, सो इट्स ओके, आपके मम्मा पापा आपका बेटा बेटी है, चलो ठीक है, चल रहा है। बाकी औरों के लिए जीना शुरू कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, आप अनाथाश्रम जाइए, वृद्धाश्रम जाइए, आप उन लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाना शुरू कीजिए जो आपकी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, छोटे से पैसे के दम पर ही आप उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ला सकती हैं, और उनकी स्माइल को देखकर आप भी खुश हो जाएंगी। तो अपनी ज़िंदगी में ना अपना स्वार्थ जरूरी नहीं है हर बार पूरा हो, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहते थे कि जो चीज़ अगर भाग्य में नहीं है, फिर चाहे आप कितना भी ढूंढें वो नहीं मिलेगा। तो जब जो चीज़ है ही नहीं, उसके लिए रोने से अच्छा है जो चीज़ है आपकी किस्मत में उसके लिए जिया जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आजकल बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है, और आज का जो क्राइम में सबसे ज़्यादा टारगेट की जाती है, सिंगल मदर, डिवोर्सी, और जिनके पति दुनिया में नहीं है, विधवा। क्योंकि इमोशनली जब एक लेडी वीक होती है, तो फाइनेंशियली वो किसी की भी हेल्प करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि प्यार में उसको कुछ भी मांगो वो दे देगी। तो आज आपको बहुत हद तक ज़रूरत है सोचने की कि सामने वाला इंसान पैसे के लिए आपके साथ जुड़ रहा है या सच में वो आपकी केयर करता है। हमेशा सोचना दिमाग से है, दिल हमेशा सच नहीं बोलता। पहले का भी आप अपना एक्सपीरियंस उठाकर देख लेना कि दिल ने कितनी बार क्या बोला था और उसका रिजल्ट क्या निकला था। तो आज के टाइम पर लोगों में दिल बचे नहीं है, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करके अब अपनी ज़िंदगी को आगे के लिए सही बनाइए। थैंक यू सो मच, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर कभी ऐसा लगे ना कि कोई और इंसान है, आपका कोई जानने वाला किसी ऐसी लेडी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जो आँख बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर रही है, और जो भी लेडी सुन रही हैं उनको भी बताना चाहूँगी, अगर आप किसी के साथ गलत कर रही हैं या फिर आप ये देख रही हैं कि आपके घर में आपकी कोई फ्रेंड किसी लड़के का नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो उसे समझा दीजिएगा। क्योंकि एक इंसान की हुई गलती की सज़ा वो सामने वाला पता नहीं फिर कितने लोगों को देता है। कहते हैं ना, दिल तो एक बार टूटता है, फिर वो तोड़ता बहुत सारे लोगों का दिल है।